हेलो गाइज, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और डायसन स्फीयर प्रोग्राम की वीडियो के साथ में। सो गाइज, लास्ट टाइम फाइनली हमने क्वांटम चिप बनवा ली थी और उससे पहले हमने ग्रेविटेशन लेंस बनवा लिया था। तो आज अपना फाइनली प्लान है कि आज अपन चल के ग्रीन साइंस बनवाएंगे। अभी तक अपन ने सारी साइंस अपनी सेटअप कर ली हैं, जो कि अपना मिशन चल रहा है भाई 3600। जितने भी यहाँ पे साइंस हैं, सारी साइंस अपने को 3600 बनवाने की हैं। तो अपनी एक ये साइंस अभी लास्ट वाली बची, ग्रेविटी मैट्रिक्स, जो कि आज अपन बनाने वाले, इधर से शुरुआत करने वाले, क्योंकि इसके लिए अपन ने दोनों ही प्रोडक्ट बनवा चुके हैं। बस चल के सिंपल इसका सेटअप करने का है। फिर आज अपन थोड़ा ट्राई करने वाले फोटोन और एंटी मैटर का, थोड़ा शिफ्ट करने का, जो कि मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था। तो चलो भाई, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं आई थिंक ग्रीन साइंस से। तो देखो भाई, क्वांटम चिप अपना यहाँ पे बन रहा है और ग्रेविटेशनल लेंस अपने बन रहे गाइस इधर ही कहीं भी बनने चाहिए। यस, यहाँ पे तो दो अपने प्रोडक्ट, मतलब एक ग्रेविटेशनल लेंस का सेटअप यहाँ पे, दो ब्लूप्रिंट का और ये वाला सिंगल के अंदर ही अपना। तो यहाँ पे 1800 का सेटअप अपना डन है। तो चलो भाई इधर आ जाते हैं। आई थिंक ये वाले एरिया के अंदर मैं सेट करवा देता हूँ। बाकी मैं क्या करता हूँ, इधर चल के इसको ऐड करवा देता, ठीक है ना। ये वाला रोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को यहाँ पे। अभी देखते हैं ना भाई कितना बड़ा जो है ब्लूप्रिंट वगैरह अपने को बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, क्यों वाला ब्लूप्रिंट अपन यहाँ पे कहीं पर रख लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, आई थिंक अपने पास काफ़ी जगह भी पड़ी है, चल जाएगा। कितना लंबा ब्लूप्रिंट आई थिंक काम आ जाएगा अपने। तो इससे पहले कौन सी साइंस थी भाई, इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स थी अपने पास। तो चलो भाई मैं काम करता हूँ, फिलहाल चलता हूँ साइंस पे गाइज। और यहाँ पे पर्पल, ओ नहीं, पर्पल साइंस का मैंने क्या ब्लूप्रिंट नहीं निकाला था क्या? ओके, तो पर्पल साइंस का हम लोगों ने ब्लूप्रिंट निकाला ही नहीं गाइज। येलो साइंस तक अपन ने निकाला हुआ है। तो कोई बात नहीं, मेरे को इसी के अंदर फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला सेटअप उठा लेता हूँ, इसको रोटेट मारेंगे हम लोग। और ये वाला सेटअप जो है गाइज, मैं थोड़ा सा ना पीछे से बनवाता हूँ। बाय द वे देखता हूँ, मैं ट्राई करूँगा थोड़ा लंबा बनवाने का, कितना लंबा मैं बना सकता हूँ। बाकी मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे, एकदम परफेक्ट आएगा यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे चल के मैं टैप मार रहा हूँ इसको, और इसके अंदर अभी अपन चल के ना अपडेट वगैरह कर देंगे जो जो प्रोडक्ट अपने को करने हैं, क्योंकि अपने को ग्रीन साइंस बनवाने की भाई। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और ये वाले को मैं बनवा लेता हूँ। बाकी इसके अंदर अपने को ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ऑल्सो ये भी नहीं, सिर्फ ये चाहिए अपने को, ठीक है। ये अपना डिमांड हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। अब अपने को बनवाने गाइज यहाँ पे ग्रीन साइंस, ठीक है। उसके लिए अपने को दो प्रोडक्ट चाहिए। और आई थिंक पहला प्रोडक्ट है अपना गाइज ग्रेविटेशनल लेंस, दूसरा प्रोडक्ट अपना क्वांटम चिप। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे मंगवाने वाला हूँ, और ये आई थिंक यहाँ पे फुल मंगवा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फिर अपने को जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करवाने होंगे भाई, वो अपन करवा लेंगे कि स्टेशन डाल के, है ना, उसका कोई सीन है नहीं। बाकी मैं यहाँ पे चल के कर देता हूँ गाइज डिमांड, यहाँ पे चल के डिमांड कर लेते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट अपने यहाँ पे आ जाएंगे तो सीन ज़बरदस्त रहेगा। बाकी स्प्रे भी अपना आ चुका है, और मेरे को करना था गाइस कैलकुलेट वगैरह ना, वो मैं कर नहीं पाऊंगा अभी कैलकुलेट, कोई बात नहीं। एक साइड मशीन डाल के उसके अंदर मैं टेस्टिंग कर लूँगा कि भाई कितना क्या बन रहा है। तो यहाँ से सिंपल क्या करते हैं कि भाई इधर एक मशीन डाल लेते, डन। और यहाँ से जैसे रिसोर्स जाएगा ना, थोड़ा सा निकलवा लूँगा इसके अंदर से, जैसे कि थोड़ा सा निकलवा लेते हैं यहाँ से, ऑल्सो ग्रेविटेशनल लेंस से थोड़ा सा निकलवा लेता हूँ, डन। इसके ऊपर चलेंगे गाइस, और यहाँ से इसको रिसेट करके इसके ऊपर अपने सेट करना ग्रीन साइंस और टैप मार देंगे, तो 7.5 बनेगा ये, इतना ध्यान रखना है। तो अपने को भाई 7.5 बनेगा। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा क्या कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और 3600 में डिवाइड कर देंगे 7.5 से, तो ये करीब 480 मशीनें लगेंगे गाइज अपने को, ठीक है, ध्यान रखना है 480 मशीनें लगनी है अपनी। बाकी जो एक्स्ट्रा बनेगा वो तो ठीक ही है। और ये वाला ब्लूप्रिंट जो था इसके अंदर कितनी मशीनें थी भाई, 180 मशीनें थी, ठीक है। तो वो अभी अपन थोड़ी देर में कर लेंगे। 480 मशीनें चाहिए थी राइट अपने को, और 180 मैंने डाल दी ऑलरेडी, तो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करने के, 300 मशीनें अपने को बनानी है, ओके। तो हाँ ये ध्यान रख लेते ना, फिर अपन चल के 300 मशीनें सीधे डाल देंगे। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ तक अपना सब सेट है राइट। इसके अलावा मेरे क्या करने का यहाँ पे, बस इनपुट कनेक्ट करने का, जो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ ग्रेविटेशन लेंस, एंड नेक्स्ट हो जाएगा अपना कहाँ पे प्रोसेसर गाइस। तो ये दो प्रोडक्ट है जिनकी एंट्री करवानी की मेरे को, और 1x1 भाई सबके ऊपर चल के रिसेट करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ये डलवा देता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे भी चल के मेरे को सेट करना पड़ेगा। तो 1x1 भाई ये मेरे को करना ही पड़ेगा कंप्लीट। चलो गाइस, लास्ट तक मैंने एकदम कंप्लीट जो अपडेट कर दिया है, और अभी यहाँ तक रिसोर्सेज भी अपन आ पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी अपने को यहाँ पे चल के क्या करना पड़ेगा कि बाय द वे ये लाइन अपने 7200 लेके आ सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, और वो 7200 का कंप्लीट लाइन अपना चल सकता है। तो अभी यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं कि इसको ना एक बारी क्या करते हैं कि यहाँ पे कितने मशीन है भाई अपने पास, एक सेकंड, ऑटो सेव डन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने पास ये 180 मशीनें थी ना राइट, तो ये चार मशीनें आई थिंक मैं पहले एक्सपेंड करवा देता हूँ। एक काम करते हैं,
यहाँ से पकड़ के जे वाली मशीन गाइस यहाँ तक, ठीक है। इधर से पकड़ के इसको डालने वाले हम लोग यहाँ पे कहीं पे, डन। तो ये हो जाएगा गाइस कंप्लीट 200 मशीनें अपनी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको कंप्लीट कॉपी करने वाला हूँ एक बारी यहाँ से लेके कंप्लीट। तो एक पावरफुल वगैरह सब आ जाएंगे अपने इसके अंदर एंड एकदम स्टार्ट तक, क्योंकि इसको ना डबल करने का गाइस अपने को। तो मैं काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ कंप्लीट जहाँ तक, ठीक है। चलो भाई अभी कर रहा हूँ कंट्रोल वी और ये वाला जाने वाला भाई अपना कंप्लीट आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, सॉरी इसके पास में, कोई बात नहीं। शिफ्ट एंटर मार के देखता हूँ, जरा मैं शिफ्ट एंटर मार देता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो। आई थिंक यहाँ से कनेक्टेड है ना अंदर की साइड से, चलो भाई बना दो जरा। यस कनेक्टेड है, परफेक्ट। ओके तो बस अपने को लैब्स लैब्स चाहिए, जो कि मेरे पास लैब्स नहीं है गाइस। ओके आई थिंक यस लैब्स नहीं मेरे पास, तो मेरे को कितनी लैब्स चाहिए पाए थे, 140 है ना। तो मैं थोड़ी सी लैब्स मंगवा लेता हूँ गाइस यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्पेस पड़ा ही हुआ है अपने पास। क्या मैंने पहले यहाँ पे कहीं पे लैब्स मंगवाई हैं? नो। तो यहाँ पे चल रहा हूँ गाइस मैं, और यहाँ पे चल के ये वाली जो लैब्स मंगवा रहा हूँ मैं, कितनी आई थिंक 200 आई थिंक डिमांड कर लेते हैं। वैसे तो अपने को ज़्यादा ही चाहिए, ओ भाई 2000 ना जाए गलती से भी। सो गाइस यहाँ पे अपनी लैब्स भी आ चुकी हैं और जो कि आ गई हैं भाई 400 लैब्स अपने पास आ चुकी हैं। तो मैं काम करता हूँ गाइस 400 उठा लेता हूँ यहाँ से, डन। और इधर से कर देते हैं गाइस क्लियर। तो चलो भाई अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी टोटल हो गई भाई 400 मशीनें, ठीक है ना। एक बार मैं इन सबको सेट कर देता हूँ, ये वाली मशीन जस्ट थोड़ी देर बनने वाली है और आगे तक का सब कुछ फुल हो गया गाइस अपना, लेट्स गो। तो यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा ये मशीनें बनवानी मेरे को, और यहाँ पे गाइस 80 मशीन और सेट करनी है अपने को, तो वो और अपने को सेट करनी पड़ेंगी। ओके मैं देखता हूँ यार यहाँ पे कितना स्पेस है ना, उस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा बाय द वे। तो अपने को एट लीस्ट 8 मशीनें कॉपी करनी पड़ेंगी, माय गॉड। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक गाइस कॉपी करना पड़ेगा अपने को, और ये वाला डालना पड़ेगा इसके आगे जो कि आएगा नहीं, थोड़ा सा सीन है गाइस। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपने 80 मशीनें चाहिए, राइट। सबके ऊपर गाइज मैं ऐसा करता हूँ ना, एक एक एक्सपेंड करवा देता हूँ। तो अपना क्या होगा कि ये वाला 40 है ना अपने पास, तभी 400 हुआ है, और 40 और डबल है 80 है मतलब, राइट। तो मैं सबके ऊपर एक एक भी ऐड करूँगा ना, तो आई थिंक अपनी 80 मशीन जो हो जाएंगी। चलो गाइज मैं बनाते हुए आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ लास्ट तक। तो बस कुछ एक मशीनें अपनी बची हैं, और ये लो भाई अब एक लाइन में 12 और अपने पास टोटल 40 लाइन है, तो ये हो गया 1248, ठीक है। मतलब 480 हो चुका है, और इसका मेरे को कम्प्लीट एक ब्लूप्रिंट निकाल के रख लेना है भाई। भाई ये वाला तो खतरनाक बन गया। खैर इसका अपन थोड़ा बड़ा ब्लूप्रिंट बना सकते थे, मतलब साइड आजू बाजू बना के, बट ठीक है भाई ऐसे कूल लग रहा है मेरे को तो ये वाला। तो यहाँ पे देखो भाई एकदम फुल हो चुका है रिसोर्सेज वगैरह अपना, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ इसको, और इसका ना एक ब्लूप्रिंट निकाल ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये आई थिंक ज़बरदस्त होना चाहिए, बाकी ये आ जाएगा अपना यहाँ तक। पावर पोल वगैरह सब कॉपी हो गया ना इसके अंदर, ये लेट्स गो गाइस। चलो गाइस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ग्रीन साइज 3600, ये यहाँ तक अपना ग्रीन साइज तक अपना सेट हो चुका है। तो भाई देखो सीन ये था कि ये वाला पूरा प्लैनेट है ना अपना ओनली फॉर ग्रीन साइंस, तो ये वाला प्लैनेट को चलाने में ही ग्रीन साइंस लग रहा है अपना। देख रहे हो 10 GW तो अभी स्टिल चल रहा है, तो डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, पावर की बहुत ज़्यादा गई यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, जो कि मेरे को जाना है अपोजिट साइड, और वहाँ पर जो अपने आर्टिफिशियल सन बनाए थे ना उसका मेरे को एक रिंग बनाने का, क्योंकि वो थोड़ा कम पड़ेगा पावर, कम से कम 20 MW तो जाएगा आराम से, मतलब 20 GW इतना पावर तो आराम से चला जाएगा इसका। तो मैं एक बार यहाँ पे चल के देख लेता हूँ ज़रा यहाँ पे, ठीक है लेट्स गो। तो मेरे को करना क्या है कि ये लास्ट वाले डिलीट करने के हैं अपने को, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। ये लास्ट वाले मैं कर रहा हूँ गाइस यहाँ से डिलीट, और ये वाली जो कम्प्लीट लाइन है ना ये रखने वाले हम लोग। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, एक काम करते हो इधर से लेके आओ, ठीक है। अब इसको कंट्रोल वी करेंगे हम लोग, लेट्स गो। इसको अपन डालने वाले गाइस यहाँ से कहीं से, ओके। तो ये वाला आर्टिफिशियल सन कहाँ तक आ जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा, और नाइस यहाँ पे बन रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। आई थिंक शिफ्ट एंटर मार देते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट चलते हैं फिर से, मेरे हिसाब से देखते हैं कितने कितने हो चुके हैं, कितना इतना पावर चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे कितना जनरेट हो रहा अपना पावर, 12.4 अभी जनरेशन कैपेसिटी अपनी यहाँ पर, लेट्स गो। फटाफट से ये बनवाती हूँ मैं, चले जाता हूँ आगे की साइड में, और ये सब थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और ये तो अपना काफ़ी ज़्यादा हो जाना चाहिए, खैर अभी पावर देखते हैं, 13.9 20 करना है मेरे को ऑलमोस्ट।
तभी ये प्लेनेट चल पाएगा भाई। ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली पावर की। अभी देख लेता हूँ मैं एक बार कितना मतलब टोटल यहाँ पे पावर जनरेट होगा। 18.5 GW हो गया गाइस, और मैं भी अपन काफ़ी ज़्यादा दूर घूम के आ चुके हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपने को और बनवाना चाहिए क्या। वैसे जे वाले की तो अभी वैसे भी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, यहाँ पर तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके ये काम कर रहा हूँ मैं, इसको डाल देता हूँ गाइस इधर। ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है डन। इसके अंदर से काम करो, ये सारा सारा निकाल लो, मेरे यहाँ पर रख दो। चलो गाइस घूम फिर के मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ तक, और अभी तो आई थिंक यस 21.6 GW यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है पावर का। तो मे बी अभी यहाँ पे कभी पावर की दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह का जो अपना यूज़ होने वाला है इधर, ठीक है ना, भर भर के। तो अपने को डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ेगा ना, ये इनका इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा प्रोडक्शन वगैरह, तो वो सब भी अभी नेक्स्ट टास्क है अपना, वो सब भी करेंगे। बट एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेम को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलो गाइस गेम अपना हो चुका है सेव। अभी अपन क्या करने वाले कि अभी अपन जाने वाले गाइस नेक्स्ट वाले प्लेनेट पे, क्योंकि अपने को यहाँ से सारा सारा सीन क्लियर करवाने का है। बिकॉज वहाँ पे मैं यू नो सेटअप वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, जो भी अपन करवा रहे हैं ना फोटोन वगैरह बनवा रहे हैं उसको अपन फर्स्ट वाले प्लेनेट पे बनवाएंगे। तो मैं फटाफट से वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और वहाँ से ना ब्लू प्रिंट निकालने का ट्राई करता हूँ, ताकि थोड़ा आसानी हो जाए अपने को यू नो दूसरी जगह बनवाने के लिए, ताकि अपन फर्स्ट फटाफट से जाएंगे फर्स्ट वाले प्लेनेट पर और वहाँ पे जाके छाप देंगे। तो चलो भाई इंक्रीज इंक्रीज लेट्स गो, कैप्स लॉक यूज़ करके फटाफट से पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्पेस रेफर लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे बन रहा है गाइस अपना फोटोन वगैरह। ओके एक सेकेंड, क्या मैंने ये कहीं पे ब्लूप्रिंट वगैरह निकलवाया इसका, मैं भी डबल चेक कर लेता हूँ। बेसिन स्पेयर सोलर रिसीवर्स पावर जनरेशन नो, मेरा लगता नहीं मैंने इसका डाला होगा। रिसीवर्स पोल वाला है ये, नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाय द वे बी दबाओ जरा, एंड गिल्ड कहाँ है भाई अपना, गिल्ड 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 ढूंढना पड़ेगा अपने को, ये यहाँ पे है। ठीक है, इस गिल्ड से लेके दूसरे वाले गिल्ड तक, ठीक है, उतना एक ब्लूप्रिंट निकाल देता हूँ मैं। तो लेट्स सी, सॉरी कैंसल, कंट्रोल सी करना है अपने को यहाँ पे। बाकी पावर पोल की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सो आई थिंक ये सही रहेगा। लेट्स गो, तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ कहाँ तक, अरे नहीं इसके बीच में ये आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये है कहाँ तक, ये अपोजिट साइड है ना इसका, ओह नो मेरे को यहाँ तक लेना है या फिर यहाँ तक, डन। और इसको सेव कर लेते हैं अपन फोटोन में, फोटोन डाल के। तो गाइस मैं यहाँ पे चल के सिंपल फोटोन डाल रहा हूँ, और इसके ऊपर चल के ना वो डाल देता हूँ, क्या नाम है, बिल्डिंग रिसीवर्स वाली सेव ब्लूप्रिंट। अभी अपन जाके फर्स्ट वाले प्लेनेट पे ये वाला छाप सकते हैं इजी पीजी। ओके, और फिर अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ से अपन इसको रिमूव करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो डायसन स्पेयर पे अपना जो अपन डिमांड कर रहे भाई पावर कितना है, 32 GW, जबकि जनरेट हो रहा है 91 GW। ओके, तो वो चेंज करना है आज अपने को। चलो भाई आज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन करवाना है अपने किसका, तो उसी का सेटअप देखते हैं जरा चल के। बाकी मेरे को करना क्या था, फर्स्ट वाले भी जाने गए जो कि है यहाँ पे, इसको लॉक कर लेते हैं। लेट्स गो, आज थोड़ा सा घूमे फिरेंगे एंड थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है, ये सब मेरे को निकलवाना गई यहाँ से, ठीक है ना, जो कि अपन थोड़े दिन करने वाले हैं। अभी हैवी डिमांड पड़ेगा, हैवी डिमांड। ओके, बाकी चल के एक रिसर्च भी डलवाने वाले, क्योंकि अपनी यू नो काफ़ी ज़्यादा होल्ड भी हो गया होगा अब तक, जो अपनी सिंपली मशीनें अपनी जो चल रही है ना उनसे भी थोड़ा बना होगा साइंस वगैरह, तो वो सब भी सेट करेंगे। बाकी मैं फटाफट से पहुँच जाता हूँ प्लेनेट पर और वहाँ पर चल के सेट करेंगे। शायद से वहाँ पर मैंने डिस्ट्रॉय भी नहीं करा होगा, मे बी कुछ एक हाइस होंगे तो वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगे अपने को। लेट्स सी, चल ओ नो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही भाई ये क्या सीन है, ओ नो मेरे को एक तो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी उसके पास जाने के लिए, इसकी रफ्तार तेज है मेरी रफ्तार कम है। ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाई से भाई, ये तो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा इस फटाफट से। ठीक है, एक काम करो भाई चल के इधर ही लैंडिंग कर लो जरा, और इधर तो गड्ढे वड्ढे भी पड़ेंगे इस, ज़बरदस्त गड्ढे हो रखे हैं इधर तो। ओके, और ये वाले प्लेनेट पे ऐसे है क्या क्या भाई, कुछ खास नहीं, कोल वगैरह पड़ा हुआ। ठीक है, देख लेंगे अगर कुछ बचेगा तो। बाकी गाइज यहाँ पे चलते हैं, और आई थिंक रिले स्टेशन तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, नहीं रिले स्टेशन वगैरह का कोई काम नहीं गई इधर। ओके, और वैसे अपनी यहाँ पे एक सेकेंड, कोई हाई वगैरह तो नहीं आ गई ना भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे शील्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं बनवाई हुई है नहीं तो सीन ही हो जाएगा फिर। चलो अभी मैं चल के इन सब को उड़ा देता हूँ फटाफट से, इसको अनेबल कर लेते, अनेबल अनेबल, एंड आई थिंक 300-400 निकाल लेता हूँ, 300-400 ये भी निकाल लेता हूँ। लेट्स गो गाइज, फटाफट से चल के गाइज मैंने डिस्ट्रॉय करवा दिया, तो सारा सारा फ्री मिलते हैं।
फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्लानेट अपना फ्री करवा दिया है। बस मैंने यहाँ पे मशीनें नहीं बनवाई है, तो वो अपन बनवा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना, जहाँ से अपने को पावर मिलेगी। क्योंकि अपने को फिलहाल सेटअप पहले मशीनों को मतलब उसका करना है, फोटोन वगैरह का, उसके बाद देखते हैं जो जो जगह बचेगी ना आजू बाजू के जो हैं उनमें सब पे बनवाऊंगा, बाकी सब अपन क्लोज कर देंगे। और रिसोर्स नोड वगैरह बचेंगे तो गदर करेंगे, नहीं तो सब क्लोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन रेडी कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ गाइज यहाँ पे बैटल अप राइट, और आई थिंक ये 2.0 वाला यही सेट करने वाले थे अपन शायद से, तो डेफिनेटली ये आ जाएगा अपना यहाँ पे कहीं पे डन। ओके तो यहाँ पे भाई क्या क्या सेट कराओ अपन ने, ये अपने को नहीं चाहिए, बाकी मिसाइल वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आके पड़ी रहेगी यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और अपने को यहाँ पे पावर के लिए कई रोड्स ये रहेंगी एंड फ्यूल रोड्स ये वाली, ग्राफिन क्यों सेलेक्ट हो गया भाई, ये सेलेक्ट होना है। ओके और ये ज़्यादा नहीं 500 रिमोट आई थिंक डिमांड राइट, रैपिंग डिस्टेंस 1%, ठीक है रिमोट डिमांड मैं करता हूँ, देखते कितना टाइम लगता है इसको आने में। बाकी मेरी इन्वेंटरी में जो पड़ा था वो शायद मैं वापस डाल के आ गया वहीं पे, बट कोई बात नहीं। बाकी आर्टिफिशियल स्टार अपने को थोड़े से चाहिए, तो मैं थोड़े बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपने को। बाकी मिसाइलें वगैरह बाहर निकालता हूँ ताकि बन जाए। तो अभी मेरे को करना क्या है, सिंपल चल के ये वाली जो आर्टिफिशियल स्टार है ना भाई, ये इंक्रीज करने के हैं, तो एक यहाँ पर डाल दो भाई, दूसरा यहाँ पर, जितने पॉसिबली हो सकते मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ेगी भाई, उतनी भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसको फिल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैं सेटअप करने वाला हूँ फोटोन का ही ओनली। अब मैं एक बार चाह रहा हूँ इस फटाफट से वो ब्लूप्रिंट जो अपन लेके आए थे फोटोन वाला आई थिंक राइट, वो वाला मैं यहाँ पे डलवा देता हूँ ज़रा, और मैं ट्राई करता हूँ एकदम सेंटर पर रखने का, हाफ उधर हाफ इधर, ठीक है जी वाले को मैं डलवा रहा हूँ इधर। अभी क्या दिक्कत है भाई, अच्छा एक ही पट रहा है सेंटर में, ओके डन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ फिलहाल, मेरे को बी दबाने का है और इधर जाना है, ठीक है मैं एक बार यहाँ पे चलता हूँ और फटाफट से जितना रास्ते में आ रहे हैं भाई इन सबको क्लियर करवा के आ जाता हूँ मैं। जैसे ये वाला रास्ते में आ रहा है, ठीक है इसको निकाल दो, इसके अलावा कोई नोड वगैरह होगा तो वो सब क्लियर करना है मेरे को, जैसे ये नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, सब सबका सब बंद होना है अपना। ओके जैसे ये नोड्स नहीं चाहिए यहाँ से, ये सब क्लियर, और थोड़ी सी एक काम करो सारी सारी फाउंडेशन निकालो बाहर, ये सब कैंसिल, क्योंकि ये पूरा मैं ये वाला आई थिंक लेने वाला हूँ अभी, ठीक है जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं थोड़ा थोड़ा सा ये करवा देता हूँ, ये सब क्लोज इधर से भी क्लोज, ये सब क्लोज कर दो भाई। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे पड़ा हुआ है, डन आई थिंक सबको डन कर दिया मैंने, ठीक है देखते हैं अभी अभी एक बार ब्लूप्रिंट बनवा के देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट प्लान क्या है अपना यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ये एकदम फिट बैठेगा गाइस मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो लाइनें जा रही है अपनी उस तरफ जा रही है, ठीक है लाइनें सारी सारी राइट ओके। तो रेडी सेल्स वगैरह वो सब तो अपने को मंगवाना ही पड़ेगा, खैर उसका तो कोई लफड़ा है नहीं, बाकी मेरे को ये करना पड़ेगा एकदम यहाँ पे डन। आई होप ये कनेक्ट रहेगा, बाकी अपन चेक कर ही लेंगे राइट। मैं एक बार चारों साइड से बनवा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट चलते हैं ये वाला इसके ऊपर, अभी क्या रहा रास्ते में, ओह ये कैसे बच गया भाई कंसोल, तो ये वाला क्लोज, और यहाँ पे कहीं पे भी एक, ओह यहाँ पे नजर नहीं आया साथ अंधेरे में वापस से लेट्स गो। अभी कितना बचा है भाई, थोड़ा सा बचा अभी तो ठीक है, और मैं इसके ऊपर चल के ओवरलैपिंग करवा देता हूँ, स्विफ्ट एंटर मार देते हैं यहाँ पे चल के स्विफ्ट एंटर, ठीक है तो ओवरलैप हो जाएगा वापस आके लेट्स गो। अभी अपन जाने वाले सेम यहाँ पे ये वाले पोर्टल के इधर, और ये सब अपन अभी सेट करने वाले, और धीरे धीरे करके इन सबको अपन सेटअप कर ही देंगे। बाय द वे ये लाइन यहाँ से जा रही, ठीक है तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सॉर्ट कर दो भाई, ज़रा इसको भी थोड़ा सॉर्ट, एंड फिर अपने को ये वाली जो लाइन रहेगी वो अपने को यहाँ से निकालनी पड़ेगी ओके एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, ओ नहीं यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, ठीक है तो मेरे को यहाँ दो प्रोडक्ट मंगवाने के हैं, एक तो यहाँ पे पहले फाउंडेशन चाहिए, ठीक है जो कि मैं रख लेता हूँ आई थिंक 9-10 हज़ार तो पड़ा ही रहना चाहिए भाई, रिमोट डिमांड कर लेता हूँ यहाँ फाउंडेशन। इसके अलावा यहाँ पे और क्या चाहिए रहता बेसिकली अपने को, मे बी मैं ट्राई करूँगा ना ग्रेविटेशन लेंस वगैरह का थोड़ा ट्राई करने के, इधर वो सब थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं हम लोग,
भाई मेरे को जाना है और अलग से डलवाना है यहाँ पे चल के। एक सेकंड दे दो मेरे को भाई, तू इधर बन बन जाएगा वो। और नाइस बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता क्या होगा ना, एक स्टेशन वैसे डलवा लेता हूँ आजू बाजू में कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे चल जाएगा। चल भाई इसके अंदर ये डाल दो, प्लस यहाँ पे चल के थोड़ा सा 100 ही दे दो, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। लोकल डिमांड एंड स्टोरेज डन। अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए भाई थोड़ी मशीन है, यू नो जैसे बेल्ट हो गई अपनी, राइट। तो बेल्ट मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट 4000 तो ला के रखो भाई एटलीस्ट, ठीक है। 4000 तो होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा रिसोर्स बहुत सारी चाहिए अभी मेरे को यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1000 रख लेता हूँ एंड इसको मैं 10% भी करता हूँ, रिमोट डिमांड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्स भी आना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी मेरी इन्वेंटरी में जितने पड़े बाहर निकाल लेता हूँ मैं। डन, ये टास्क अपने को करने का फिलहाल फिलहाल के लिए यहाँ पर। चलो भाई अब मैं ट्राई करता हूँ ना, जितना भी अपने पास बन सकता है पॉसिबली उतना मैं बनवा देता हूँ, बाकी धीरे धीरे अपन सेट कर लेंगे। और ये लाइन मेरे को लेके जानी है कंप्लीट, देखते हैं। फाइनली गाइज मैंने चारों साइड में अपनी रिंग जो है रेडी करवा दी है। अभी मोस्टली जो है अपना लगभग इतना रिंग छोड़ के ज़्यादातर अपना जो है जनरेट हो ही रहा है अपना, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये काफ़ी कूल रहेगा। बाकी मेरे को ट्राई करना है अभी इसको ना डबल करने का, मतलब एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में ऐसा और करने का मेरे को। तो उसके लिए अपने को जुगाड़ और बैठाना पड़ेगा। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला डिलीट करना पड़ेगा अपने को। डन, इसको क्लोज। और क्या मैं इसका एक ब्लूप्रिंट निकाल सकता हूँ क्या? कंट्रोल सी करके ट्राई करके देख लेते हैं एक बारी ज़रा, क्या हम लोग यहाँ से एक ब्लूप्रिंट निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, टेस्ट करके देखना मेरे को। इधर से ये अगर कंप्लीट जा रहा है तो देखते हैं। यस, कंप्लीट ब्लूप्रिंट निकाल सकता है गाइस। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक ब्लूप्रिंट निकाल लेंगे हम लोग। फोटोन, ठीक है, फोटोन मीटरिंग कंप्लीट, ऐसा मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे चलते अपन 2x3 करके, फिर से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फोटोन यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे अपने फिर से मशीन आ जाएगी, सेव ब्लूप्रिंट, डन। चलो अभी मेरे को ट्राई करना है कि ये वाला सेटअप लेफ्ट और राइट में वो डलवाने का, तो क्या मैं ये बनवा सकता हूँ सीधा का सीधा, लेट्स सी। तो देखो भाई ये वाला आ रहा है गाइस यहाँ पे, तो अपने को लेना पड़ेगा ये वाला एग्जैक्ट इसके इधर, यहाँ पे बनेगा एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं बन रहा अपना, बाय द वे क्या क्या नहीं बन रहा है भाई। ओह नो, ये गड्ढे वड्ढे में इधर दिक्कत आएगी क्या अपने को? ऐसा ना होना तो नहीं चाहिए यार, राइट। ओह नो, ज़रा ज़रा एक बारी, हाँ मैं फिर से ट्राई करके देख लेता हूँ, फिर देखेंगे ना अपन कहाँ कहाँ नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए ना शायद से, इनकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रखी है। लेट्स गो मेटरिंग अगेन, यहाँ पे चलता हूँ मैं क्लिक। ओके, बन गया इजी, नाइस। एक इधर सेट हो गया। अभी मेरे को करना क्या है कि एक अपोजिट साइड भी करने का, और ये अपना आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगा। वन क्लिक हेयर, और इधर क्या नहीं बन रहा है, एक नहीं बन रहा है इधर, ठीक है। इसके अलावा बीच में भी एक आधा नहीं बन रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। ओके एक सेकेंड यार, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए गाइस। मैं इसको डबल ट्रिपल करवा दूँगा अभी। लेट्स गो, ये ज़्यादा खड्डा कुछ यहाँ पे शायद से, जिस वजह से ऐसा हो रहा होगा मे बी। थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, एक बार मैं राउंड मार के आ ही जाता हूँ। और लगता है मेरे को फाउंडेशन उठानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं चले फाउंडेशन उठाता हूँ। लेट्स गो, 10,000 आप इन्वेंट्री में रखो, वहाँ पे और फाउंडेशन आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो, तो अप वाला तो चल जाएगा शायद से, बस थोड़ा डाउन है ना उसी में शायद से दिक्कत आती है मे बी। फिर मैं थोड़ा सा ट्राई करके चले जाता हूँ ड्रैग करते हुए मे बी। ये सब क्लियर कर दो भाई, इधर सब क्लियर करो। ओके, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, ठीक है। यहीं पे कहीं पे था ना अपना, यस, एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं पे अपना। तो इधर चलते हैं और वापस एक बार ब्लूप्रिंट हम लोग ट्राई करेंगे। लेट्स गो, तो ये वाला ब्लूप्रिंट अपना आएगा गाइस यहाँ पे कहीं पे, क्लिक डन। ये लो गाइस, ये सब मेरे को सेट करने के उसके बाद अपना सारा का सारा रिसोर्सेज जो है जो होगा जितना भी निकल के आएगा भाई, है ना। वो सब का सब मेरे को एक जगह लेके आना, ठीक है। और ये वाला यू नो गाइस डायसन स्पेयर पे चलेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा हो जाएगा। ओके, मतलब पावर रिक्वेस्ट हो जाएगा इसी के अंदर। तो चलो अब मैं ट्राई करता हूँ ना इधर की साइड से बनवाते हुए, अब मेरे को जाने का सिंपल ये करना है। तो मैं फटाफट से गाइस ट्राई करता हूँ ये वाला बनवाने का, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ये बनवा देता हूँ।
उसके बाद में फिर ये जितने नोड्स पड़े ना इन सबको अपन टैप करेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा पावर वगैरह वो सब लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वो सब सेटअप करना है तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक मे बी पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई, क्योंकि बहुत सारे रिलीजर्स चाहिए अपने, वो भी आने ठीक है, मिलते थोड़ी देर में। फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे बहुत सारी मशीनें बनवा दी हैं, बस थोड़ी सी मशीनें बची 311 के आसपास, जो कि अपने पास है नहीं, अभी आनी है और वो बननी है यहाँ पे, थोड़ा सी वाला एरिया अपना बचा हुआ है, बाकी मैंने सारा सारा जो है कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ना क्या सीन करा है कि दो दो लाइनों की एक लाइन बनाई है, तो ये वाली दो लाइनें एक लाइन पे गई हैं, ये वाली दो लाइनें एक लाइन पे, और ये वाली लास्ट वाली दो लाइनें एक लाइन पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वाला सेटअप मैंने यहाँ पे करा हुआ है, बाकी मैं यहाँ पे एक सीन और कर रहा हूँ, जैसे ये सबके नोड है ना गाइस, यहाँ पे इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ ये वाला स्प्लिटर डालने का, इन केस अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आया ठीक है रिसोर्सेज, तो यहाँ से डबल हो के और फिर वो जाएगा, ठीक है। ये सीन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि वो ना फोर का स्टैक करके भेजेगा, ठीक है, 3-4 का स्टैक करके यहाँ से जाएगा। तो एक यहाँ पे डाल देता हूँ बैक करके, एक यहाँ पे भी हो जाएगा अपना बैक करके, एक इधर, लेट्स गो। एंड ऑल्सो ये वाले पे भी सेम टू सेम ऐसा ही कर देता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, थोड़े से अपने भाई पहले सोल्टर लग जाएंगे, ठीक है, और ये लोग काम अपना हो जाएगा मस्त वाला यहाँ पे। जब तक कि वो फोर नहीं होएगा ना, वो आगे जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वो फोर स्टैक हो जाएगा तो ही तुरंत आगे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा वो उधर की उधर घूमता रहेगा गोल गोल, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर घूम रहा है अभी। जैसे चार का होगा वो आगे भेज देगा, तो इस तरह से अपनी लाइनें आराम से जो हैंडल कर लेंगी। और यहाँ पे अभी जो अपन प्रोडक्शन मैं तुमको दिखाऊँ, तो करीब करीब 2100 पहुँच चुका है। एंड ऑल्सो अपना जो डायसन स्फीयर का पावर है वो भी क्रॉस हो चुका है, 90 GW अपन ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर लिया है। बट डोंट वरी, इसके अंदर ना वो सारा पावर काउंट होता है, जैसे कि ये वाली मशीनें मोस्टली अभी काम नहीं कर रही ना, तो ये वाला पावर भी जो काउंट हो रहा है रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी अपन क्या करते, वापस चलते कौन सी वाले प्लेनेट पे, लास्ट वाले पे, और वहाँ से चल के जितना अपन ने सेटअप करा हुआ था ना वो सारा सारा मेरे को वहाँ से रिमूव करने का है, क्योंकि वहाँ पे नहीं रखने का अपने को वो वाला सेटअप, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या सीन है बाय द वे, ओह नाइस, इधर रोड्स आई तो हैं बट लाइन के अंदर मैंने सेट नहीं करा हुआ था, ओके इधर ही सेट कर देता हूँ ज़रा मैं, ताकि इन सब के अंदर ही फिल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे अपने को पावर की दिक्कत आएगी नहीं कभी, तो एक काम करो, थोड़ा सा 27 ये दो तीनों के अंदर डलवा देता हूँ, थोड़ा सा ये वाले बर्न हो जाएगा, ठीक है, मेरे को ये खाली करना पाया था यहाँ से धीरे धीरे करके। तो चलो गए, इतना सीन अपना यहाँ पे रेडी एकदम, अभी मैं जा रहा हूँ हाँ नेक्स्ट वाले प्लेनेट पे चलते हैं ना, लेट्स गो, वहाँ पे चल के वो सब निकलवा देता हूँ उधर से, क्योंकि फोटो उनका अपना बेसिकली यहीं से होने वाला सारा सीन। चलो गाइस 6th नंबर पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे अब चल के अपने को ये सब का सब डीसी करना, ओके, इन सब की ज़रूरत नहीं है अभी। और बाय द वे मैं यहाँ से भी लेके जा सकता हूँ ये वाली मशीन है ना, मैंने वहाँ से कैंसिल नहीं करा बाय द वे, चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं यहाँ से भी सब डिलीट करके लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं डिलीट, एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इन्वेंटरी के अंदर काफ़ी जगह पड़ी हुई बाय द वे, तो ये सब जो है डिलीट कर दो भाई, ज़रूरत नहीं है, डन डन। और बाय द वे ये सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाय द वे, ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं है अपने को, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो वो देख लेंगे, बाकी फ़िलहाल मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही है यहाँ पे। सेंटर वाली लाइन आई थिंक अब मैं रख सकता हूँ, क्योंकि वो पावर के लिए बाय द वे, बाकी सब आई थिंक हम लोग डिलीट कर सकते हैं। चलो चलो चलो, ये सब पावर पोल वगैरह सब निकाल सकता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने कंप्लीट भाई क्लियर कर दिया लेफ्ट साइड वाला, अभी सेंटर से जो बचा हुआ है ना वो सब मैंने रखा हुआ है, अभी यहाँ पे चल के अपन थोड़ा सा सेटअप करने वाले हैं, ओके। बाकी नेक्स्ट टास्क जो अपना रहेगा वो रहेगा आई थिंक एंटीमैटर ना, अपन उसी प्लेनेट पे बनवा लेते हैं, राइट, मेरे हिसाब से यार वही ज़बरदस्त रहेगा, एंटीमैटर वहीं पर बनवा लेते मे बी। और यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही स्टेशन डलवाए हुए हैं बाय द वे, ओके यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, चल जाए। खैर ये वाला हब तो अपना बना ही पड़ा है ना इधर, ये सब भी अपने सेट करा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने रॉकेट्स मंगवाई हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, रिमोट सप्लाई कर दो, दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ एक काम करो, यहाँ से रिमोट सप्लाई हो जाएगा अपना रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे बाय द वे एंटीमैटर बर्न कर रहा हूँ राइट, मैं रिमोट डिमांड नहीं करने का, ये रिमोट सप्लाई करने का बाय द वे, यहाँ से नहीं ज़रूरत है अपने को, ये सारा सारा सेंड करना है मेरे को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अपन बेस्ट वाला ही फ्यूल यूज़ करेंगे ना भाई, अभी ये वाला तो यूज़ नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा चेंज करके इसको सही सेट कर देंगे। रिमोट डिमांड मैंने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आने में, तब तक अपना जो यहाँ से काम चली जाएगा। बाकी मेरे को यहाँ से वो रिसोर्सेज निकालना है भाई, एक सेकेंड,
जरा यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन अपनी सारी सारी यूज ही हो गई है लगभग, राइट। तो एक काम करते हैं, ये वाली से ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट प्यूल डन, यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद में ये वाला यहाँ से होते हुए सीधा लाइन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इजी पीजी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। बाकी ये वाला मेरे को चाहिए, और ये वाला यहाँ पे बनाएंगे एक, नेक्स्ट नेक्स्ट हेयर एंड लास्ट हेयर। तो ये कुछ अपना यहाँ का सेटअप रहेगा। तो यहाँ पे अपने करीब 4 गीगावाट के आसपास जो पावर जनरेट हो जाएगी, ठीक है, देख लेंगे बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर, और जल्दी अपने को इन सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली अपने को, ठीक है। मैं यहाँ पे और तो डायसन स्पेयर नहीं बनवा रहा हूँ ना, ये सब डिलीट ही करवा देता हूँ ना। ओके, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ी मशीनें पड़ी हुई हैं। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सप्लाई पाया तो वह, एंड ये वाला क्लियर सेटिंग करो भाई, यहाँ से सारा सारा निकाल लो, इसके अंदर डाल दो, ये सारा सारा निकाल लो और इसके अंदर डाल दो। लेट्स गो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, दूसरे बार प्लेनेट पे जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार गेम को सेव करके दूसरे प्लेनेट पे चलते हैं और वहाँ पे चल के फाइनली एंटी मैटर का सेटअप करते हैं। ओके, बाकी मैं यहाँ पे चल के देख लेता हूँ स्टैटिक्स पे, यहाँ पे क्रिटिकल फोटोन का प्रोडक्शन क्या चल रहा है ना, वो अपन चल के देखेंगे। लोकल प्लेनेट नहीं, जीटा 1, ठीक, इसके अंदर देख लेते कितना बन रहा है भाई। दो फोटोन, फोटोन कहाँ पर मिलेगा भाई, और ये रहा, तो करीब करीब ये पहुँच गए 3000 के आसपास। ओके, बाकी वहाँ पे चल के मैं बनवाऊँगा ना, तो हो जाएगा मे बी 3600 समथिंग कुछ करना है ये अपने को, राइट। तो देखते हैं ज़रा थोड़ा और इंक्रीज करवाएंगे इसको। बाकी डायसन स्फीयर पे क्या सीन है, 77 आ गया ना, अभी अपन वहाँ पे चल के थोड़ा सा और इंक्रीज करा सकते हैं, और ये अपने कुछ भी करके 3600 ज़्यादा ही करना है भाई। तो लेट्स गो, मैं सेव कर रहा हूँ एक बारी। अभी यहाँ से हम लोग चल लेते हैं वापस से फर्स्ट वाले प्लेनेट पे, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ आज अपने करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट चल रहा है ना भाई अपना खतरनाक वाला। तो यहाँ पे जाना है अपने को, लेट्स गो, वहाँ पे चल के यहाँ से जितनी मशीन डिलीट करी ना, बेसिकली अपनी एक रिंग और डालने की अपने को, तो मेरे हिसाब से अपना काम हो जाएगा। और मेरे पास काफ़ी सारे रे रिसीवर्स पड़े ही हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आई थिंक अपना काम हो जाएगा इजी, लेट्स गो। और यहाँ पे जितना भी एरिया बचा उतना कहिए, फटाफट से मैं बनवाते हुए चलता हूँ, है ना, ताकि अपना कैलकुलेट वगैरह एकदम सही से हो जाए। बेसिकली मेरे को करना क्या है कि 4000 के आसपास रखना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यू नो, अपने रोड्स वगैरह अंदर वो सब। वैसे 3600 भी काफ़ी है, क्योंकि इतना फास्ट तो शायद हम नहीं करेंगे रिसर्च वगैरह, लेकिन फिर भी अपने पास होना चाहिए भाई ऑप्शन। बाकी देखते हैं अभी इसको कम्प्लीट करवाने के बाद कितना होता है। चलो गाइस, अभी ये अपना कम्प्लीट हो चुका है यहाँ तक, और देखो थोड़ा ही लाइन अपना कुछ टाइम के लिए डीसी है, बाकी अपना मस्त चलेगा। और यहाँ पे चल के अब भी अपन देख सकते हैं गाइस। ओके, तो मैंने फोटोन काफ़ी सेट करा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ गाइस आई थिंक 3rd नंबर पे, ठीक है, और यहाँ से 3rd वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो रहा है अपना 2800 समथिंग, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और इसको कैलकुलेट अपन कर पाएंगे। बाकी मेरे को चेक करना था 1 मिनट पर, ठीक है, तो करीब 3200 में भी देख लेंगे, 3600 समथिंग अपने को लेके जाना। ओके, ये वाला ठीक है, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है उसके अंदर फ्लोर रखा होगा शायद से, स्टेशन अपना है कहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा मेरे को स्टेशन, उसके अंदर चल के देखते हैं ना भाई कितना क्या फ्लो हुआ पड़ा है ना, फिर थोड़ा सा देखते हैं। बाकी लाइनों पे भी जा रहा है अपना खतरनाक तरीके से, ठीक रहेगा आई थिंक। लेट्स गो, स्टेशन अपना यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके काफ़ी पड़ा हुआ अपने पास, ठीक है, ये लाइनें अपनी सारी सारी खाली हो पा रही ना। नाइस, लेट्स गो गाइस। अभी मेरे को करना क्या है कि इधर जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप करना है अपने को, यहीं पे फैक्ट्री बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एंटीमैटर बनाना है अपने को, तो मैं देख लेता हूँ एक बारी, मैंने शायद से एंटीमैटर का यहाँ पे डाला होगा सेटअप, एंटीमैटर जैसे यहाँ पे डाला होगा मैंने 600 का। ओके, और इसके अंदर ये वाली मशीनें चाहिए, मिनिएचर पार्टिकल कोलाइडर, राइट, जो कि मेरे पास नहीं है मिनिएचर पार्टिकल कोलाइडर, यार डेफिनेटली नहीं है मेरे पास, सो लेट्स गो, आई थिंक यहाँ पे चल लेते हैं। बाकी यहाँ पे डिमांड नहीं करने का है, कैंसिल करो, ठीक है। दूसरा इधर चलना था मेरे को और ये वाली मशीन मंगवानी है गाइस, ठीक है ना, और ये वाली मशीनें 400 मंगवा लेता हूँ, रिमोट डिमांड, तो देखते कितना टाइम लगता है इन सबको आने में। ये सब अपने को बना के और इसका एक ब्लूप्रिंट बना के मस्त सेट करना पड़ेगा ये, तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ यहाँ पे और ये वाला ब्लूप्रिंट निकाल लेते भाई, रोटेट करते हैं इसको, और वैसे तो ये इसके अंदर बन सकता है बट मैं उधर नहीं बनाऊँगा, मैं इसको रखूँगा गाइस स्पेशली ये वाले सेक्शन पर, तो यहाँ पे एकदम फिट टू फिट चलेगा अपना, क्लिक मारते इधर डन,
बाकी रही बात जैसे ये वाला छोटा स्टेशन डाला हुआ मैंने यहाँ पे, तो छोटा स्टेशन मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, यहाँ पे हम बड़ा स्टेशन यूज़ करेंगे बाकी लाइन कौन सी एम के थ्री वाली लाइन है, एम के थ्री वाली लाइन मेरे पास पड़ी है बहुत सारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना दो फटाफट से। बाकी मैं यहाँ पे चलता हूँ और बड़े वाला स्टेशन डलवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधा फिर मेरे को ट्रांसफ़र भी करवाना है ना भाई रिसोर्सेज। राइट, तो लेट्स गो, यहाँ पे चलते गए सिंपल, अपने को डालने का है भाई, क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एंटी मैटर बना रहे हैं, और ये बनेगा किससे, फोटोन से बनेगा। एंड इसको हम लोग क्या स्प्रे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आउटपुट, ओ हाँ इसको स्प्रे भी कर सकते हैं गाइस, परफेक्ट। नहीं यार यहाँ पे तो स्प्रे नहीं दिखा रहा भाई, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ठीक है, ओ इस पे दिखा रहा है स्प्रे, ओके, और यहाँ पे नहीं, ओ हाँ इसको बनाने के लिए अपन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं भाई, राइट ओके, शायद से मैंने देखा नहीं होगा पहले है ना, वो टेस्ट करेंगे अपन अभी चल के। बाकी यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला था, हाइड्रोजन बनने वाला था भाई, तो राइट इसके साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन यस, तो यहाँ से हाइड्रोजन को अपन ट्रांसफर भी करवाएंगे। दूसरा मेरे को यहाँ पे चाहिए गाइस स्पेस रैपर और स्प्रे है ना, ये थोड़ा सा सेटअप करना है मेरे को यहाँ पे, चलो 300 आई थिंक लोकल डिमांड एंड स्टोरेज, लोकल डिमांड एंड स्टोरेज, बाकी ये लोकल सप्लाई रिमोट सप्लाई जो भी है रहने दो भाई। बाकी रही फोटोन की बात, तो फोटोन लोकल डिमांड अपना होगा, रिमोट स्टोरेज रहेगा यहाँ पे, बाकी लोकल सप्लाई रिमोट सप्लाई हो सकता है, शिप्स डालो ड्रोन्स डालो यहाँ पे, डन सीन, ओ नो लोकल डिमांड करना है मेरे को ओनली यहाँ पे, 100 ही करने का था बाय द वे, ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ चुका है तो मेरे को यहाँ से निकाल के वापस लेके जाना पड़ेगा इधर चलो भाई और इधर ये डाल दो वापस से, कोई बात नहीं इधर अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा रिसोर्सेज अपने पास। खैर बाकी 5000 यहाँ से निकाल के इन्वेंटरी के अंदर डाल देता हूँ मैं। इसके अलावा क्या चेंजेस करना है मेरे को, मिनीचर पार्टिकल कोलाइडर आ गया क्या अपना, 184 आ चुका है बाय द वे, तो 184 तो मैं निकलवाता हूँ बाहर, डन। प्लस यहाँ पे मेरे को स्प्रे करके भी ट्राई करने का है भाई, तो स्प्रे भी मैं निकाल लेता हूँ थोड़े से, लेट्स गो देखते हैं जरा कितना बनाएगी मशीन, 30 बनाएगी गाइस ठीक है, 30 पर मिनट बनाएगी ओके। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक स्पेस पड़ा हुआ है, तो इधर चल के अपने स्प्रे डालने का है, और स्प्रे में भी तो 2000 रख लेता हूँ मैं, इधर रिमोट डिमांड करेंगे, बाकी यहाँ से लोकली जो सप्लाई वगैरह हो जाएगा, बाकी मेरे को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे स्प्रे आने का ना, फिर थोड़ा टेस्टिंग वगैरह करके वो सब सेट करेंगे, तो 60 के हिसाब से 1800 का सेटअप अपना मस्त हो जाएगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ जरा कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ पे चल के, इधर से पकड़ के कंप्लीट आई थिंक यहाँ तक, टर्न कंट्रोल वी करेंगे। तो ये था गाइस अपना 20 मशीन है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, और जी वाला शायद से यहाँ पे आने का, टर्न 20 40 एंड अनादर 20 चाहिए अपने को, क्या यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, यस चलो गाइस 60 मशीनें अपनी डन हो चुकी है, तो ये हाफ का सेटअप है भाई, तो मैं यहाँ पे चल के ये सारा सारी बार बनवा देता हूँ ओके। सो बेसिकली यहाँ से मेरे को कनेक्ट करते हुए चलना है, तो ये वाला भाई इधर कनेक्ट करो, ये दोनों हो जाएंगे अपने इधर साइड में, फिर ये हो जाएगी अपनी एंट्री, फिर से दोनों इधर साइड में हो जाएंगे, और फिर से ये हो जाएगा जब अपनी एंट्री, डन भाई बना दो फटाफट से, थोड़ा चेंजेज इधर भी करने का, चलो चलो चलो, और फिर अपने को डबल कर देना है सिंपल ब्लू प्रिंट, ऐसा करना यहाँ से यहाँ पे, फिर नेक्स्ट हियर टू हियर, हियर नेक्स्ट अपना हो जाएगा इधर से इधर, फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला एंट्री कनेक्ट हो जाएगा अपना, परफेक्ट। और यहाँ सारी सोर्सेस खाली भी हो पा रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा एक बारी, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ लेवल 3 का ही करवा दूँ, यहाँ पे लेवल 2 का है भाई, अभी ये वाला मैं लेवल 3 का ही कर दूँगा, सोल्डर्स वगैरह ठीक है, तो अपग्रेड पे चलते हैं, सोल्डर्स उठा लेते हैं और 1 लेवल अप करने वाले हम लोग इसको, तो भाई दबाई ये सब अपग्रेड ठीक है, सेंटर्स चलते जाता हूँ अपग्रेड करते हुए, चलो गाइस यहाँ तक मैंने कंप्लीट सोल्डर्स अपने अपग्रेड कर दिए हैं, बाकी अपना स्प्रे भी आ चुका है ओके, मेरे को स्प्रे डाल के टेस्ट करने का था भाई, तो फिलहाल तो 30 बन रहा है,
बाकी स्प्रे से ट्राई करते हैं ज़रा कितना बनता है, देखते भाई। स्प्रे वगैरह करवाया तो है मैंने, कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में? ओके और नहीं, स्प्रे वाला आना स्टार्ट हो गया, लेट्स सी। ओके तो यहाँ पे स्प्रे से प्रोडक्शन स्पीड अप मिल रहा है अपने को ओनली, तो प्रोडक्शन स्पीड अप नहीं चाहिए अपने को 60 बना सकता है उससे, स्प्रे से होगा बस ये सीन कि अपनी यही मशीनें मिलके हैंडल कर लेगी, बस सीन ये रहेगा है ना। उसके चक्कर में अपने काम की स्प्रे क्यों वेस्ट करना है भाई, मैं इससे अच्छा डबल ही कर दूंगा। ओके तो यार लेट्स गो, डिलीट 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 एंड डिलीट ऑल्सो, यहाँ से भी चल के स्टोरेज ये सारा सारा निकालो भाई इधर से, और इसके अंदर चल के यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, बाकी यहाँ से कर देता हूँ रिमोट सप्लाई। तो यहाँ पर जितना भी आया ना सप्लाई हो जाएगा यहाँ से वापस, यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है अभी डन है गाइस। तो यहाँ पे देख लो भाई अपना हाइड्रोजन भी आ चुका है, एंटीमैटर भी आ चुका है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सप्लाई 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 सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ करना है यहाँ पे नहीं आई थिंक। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, फाइनली इसकी एंट्री करवाते हैं, उसके बाद करवाते हैं यहाँ से इसकी एंट्री। ओ नो, सही करवाया ना एंट्री भाई, तो हाँ ठीक है, गलत तो नहीं करवा देना, फोटोन की करवाइए ना, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह अपना काफ़ी बनेगा, जो कि अपने को स्टोर करना पड़ेगा। वैसे अपने पास यूजेज काफ़ी है उसका, ठीक है 3 टैंक्स डलवा रहा हूँ फिलहाल। और ये चल के ये वाला ब्लूप्रिंट अपन कॉपी करने वाले हैं, कंट्रोल सी करेंगे, और मैं इधर से शुरू कर देता हूँ आई थिंक। एक्स्ट्रा लाइने तो सक्सेस वन डिलीट कर ही दी है ना, चलो यहाँ तक कंप्लीट डन है गाइज अपना। तो ये 1800 का सेटअप है अपने, डबल करने का गाइज, तो हाफ अपना इधर हो गया, हाफ रोटेट करके अपोजिट साइड कर देता हूँ मैं, बाकी मेरे को थोड़ा सा ये थोड़ा लेवल करके दे दो, डन लेट्स गो। यहाँ पे चलो भाई, सॉरी क्लियर कैंसल, एंटीमैटर उठाओ रोटेट, और ये वाला जाएगा जिस साइड से, ठीक है ये वाला आई थिंक यहाँ बन जाएगा, नहीं सर थोड़ा इधर से ले लेता, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से कहीं से, जो कि ये वाला लाइन पे जा रहा है, तो क्लिक मारेंगे डन एंड ईजी टास्क है, लेट्स गो। बस अपने को यहाँ पे लाइन ही चाहिए, और वहाँ पे फार्म पे कुछ तो फिल हो गया अपना फार्म पे चल के वो भी देखना पड़ेगा फिल हुआ है क्या बाय द वे। और यहाँ से देख लो गाइस 3400 के आसपास पहुँच चुके हैं क्रिटिकल फोटोन अपना कंजप्शन अपना 4000 समथिंग है, ओके कंजप्शन 4000 समथिंग है, क्योंकि अपन ने दूसरी वाली गैलेक्सी के अंदर भी सेटअप करा हो ना एंटीमैटर रोड्स वगैरह, वहाँ पर जा रहा होगा इसलिए। चलो गाइस एकदम एंड तक मैंने एकदम बना के जो है रेडी कर दिया है, अभी देख लेते ज़रा यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर फोटोन लोकल डिमांड मैंने करा तो हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे शायद से ज़्यादा जा रहा अपना ना, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर चल के इसको कर देता हूँ गाइस करीब करीब 10,000, ठीक है, और यहाँ पे भी चल के 10,000 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा स्टोर करने का अपने को ज़रूरत नहीं है, 10,000 स्टोर करके रखो भाई, इससे ज़्यादा नहीं करने का स्टोर, लेट्स गो। अब ये वाले के अंदर भी जाना अपना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ से बनी रहा है, ठीक है। तो 3400 समथिंग अपना चल रहा है, मे बी एक लाइन और ले लेनी चाहिए अपने को है ना, अपोजिट साइड ले सकते हैं गैस वैसे अपन एक लाइन और अपना डायसन स्पेयर का क्या सीन है भाई, 98 GW पहुँच गया गैस वैसे बाय द वे, ठीक है, बट मेरे को लग रहा है अपनी एक लाइन और चल सकते हैं यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम से। बाकी यहाँ पे कितना है 76 है ना यहाँ पे, ठीक है एक लाइन और ले सकते हैं बाय द हम लोग 3.83। ओके देखो दो लेंस अपनी परफेक्ट बन रही है, ओके ऑलमोस्ट दो लेंस अपनी परफेक्ट बन रही है, तो ऐसा करते दो लेंस बनवा देता हूँ 4 की बजाय, राइट ओके 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 ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शिफ्ट एंटर मार देता हूँ फिर, राइट कर ले फिर दो लाइनों का आई थिंक, शिफ्ट एंटर डन लेट्स गो। बाकी यहाँ पे मैं जाऊँगा ये वाला डिलीट ठीक है, ये सब बनाते हुए चलो भाई परफेक्ट, ये ज़बरदस्त रहेगा। बाकी मेरे को चाहिए गाइज लाइन में, फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे कंप्लीट बना के सेट भी कर दिया है, ऑल्सो इनके अंदर मैंने जनरेटर्स भी बनवा दी सबके अंदर, प्लस ये वाली लाइन जो एक्सपेंड कर दी थोड़ी सी यहाँ पे, ऑल्सो एक रिसोर्सेज यहाँ पे मैंने टैप भी मारा है, फ्रैक्टल सिलिकॉन था यहाँ पे, तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ना किसी के अंदर चल के सेट कर देता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला आई थिंक यहाँ पे, ओ भाई ये मशीन आ चुकी है ना यहाँ पर, राइट ओ नो, ये वाला यहाँ से रिमोट सप्लाई रखना पड़ेगा अपने, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है इन मशीनों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, यहाँ से अपन कहीं पे सप्लाई करवा लेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से ये सब क्लियर कर दो भाई। ऑल्सो यहाँ पे चलते हैं अपन, फ्रैक्टल सिलिकॉन ये है ना जो लोकल डिमांड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ड्रोन्स डाल देते हैं, ड्रोन्स 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 थोड़े से निकालने पड़ेंगे, प्लस वापस से क्लिक कर देता हूँ मैं,
तक यहाँ पे होगा क्या कि जो मैंने मशीन डलवाई ना फैक्ट्री सिलिकॉन वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी रिसोर्सेज और यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ एकदम औसम है। और मिनिमम लोड ऑफ ड्रोन्स राइट, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ भाई, ये वेसल्स आई थिंक मैं इसको 100% पे रखता हूँ ताकि यहाँ जो रिसोर्सेज जाएगा ना वो एटलीस्ट फुल जाए। नहीं तो फिर क्या करती है मशीन, कई बार थोड़ा थोड़ा करके लेके जाती है। थोड़ा ये निकालो यहाँ से, सॉरी इधर जाओ, यहाँ पे यहाँ से सप्लाई हो जाएगी वापस रिसोर्सेज, नो प्रॉब्लम। तो गाइज मेरे हिसाब से ना आज का अपना एपिसोड एकदम डन है। और यहाँ पे देख लो भाई एंटीमैटर बन के एकदम रेडी है, यहाँ पे भी एंटीमैटर बन के एकदम रेडी है। तो नेक्स्ट टाइम 100% अपन जो साइंस बनवाने वाले हैं ओके, और फिर फुल रफ्तार से अपन जो रिसर्च वगैरह करवाएंगे। बाकी जहाँ पे अभी जो प्रोडक्शन अपना चल रहा है भाई वो 3400-3450 के आसपास चल रहा है, और आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ है। बिकॉज अभी जो अपना डायसन स्फीयर है ना भाई, यहाँ पे देखो 110 गीगावाट यहाँ पे पहुँच चुका है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा अपन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और अपने को इंक्रीज़ करना है तो मे बी मेरे को एक रिंग और बनानी पड़ेगी, विल सी लेटर मे बी। बट नेक्स्ट टाइम अपन रिसर्च वगैरह करवाने वाले, ठीक है। और यहाँ पे भी एक नोट पड़ा हो भाई फ्रैक्टल सिलिकॉन का, ओ नाइस, इसको भी गैदर करवा लेता है। एक मैंने फौजी साइड से करवाया क्योंकि रेयर रिसोर्सेज जन भाई, थोड़ी गैदर करवा देता हूँ। यहाँ से टैप मार लेते हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको टैप मारने में, सिंपल टैप। जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी टैप मार दो भाई। दो नोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको भी ट्रांसपोर्ट अपन यहाँ से करवा देंगे, ठीक है, इजी पीजी इजी लाइफ। एक इधर डालो भाई, दूसरा रोटेट फिर से थोड़ा सा, इजी है लो भाई, इजी लाइफ गाइस। एक यहाँ पे डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो, फिर नेक्स्ट पोल हेयर, मे बी नेक्स्ट पोल हेयर, डन। एक यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये सारे सारे कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी सिंपल अपने को यहाँ पे चलने का है, और यहाँ पे चल के सिलिकॉन और ऐड कर देने का, लोकल डिमांड, ये लो भाई। अब ये भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट अपना हो जाएगा। चलो गाइज आई थिंक ये वाला एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी रही बात इन सब का, तो यहाँ पे जो है रिसोर्सेज नहीं आ रहा है ओके, सेंट्रल वाली लाइन पे हाँ पहले लास्ट वाली लाइनों पे जा रहा है। ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना रिसोर्सेज को, उतना यूज़ भी हो जा रहा है अपना। ओके तो यहाँ पे जैसे ही फुल पड़ा हुआ है अपना, ये सही है। इधर थोड़ा ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ना 8000 पे ऐसा कर लेता हूँ ना, या फिर 10000 इज़ ओके मेरे हिसाब से, 10000 ठीक है यार, नॉट बैड, ठीक है। थोड़ी देर में वैसे भी ये फुल ओके रुक ही जाएगा, यहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है, हाइड्रोजन वगैरह अपनी सारी यूज हो जा रही है, दैट्स गुड भाई। अभी नेक्स्ट टाइम अपन क्या करने वाले कि मैं ना थोड़ा अपना एपिसोड काफ़ी बड़ा हो गया, बाकी मेरे को वहाँ पे चल के एक बारी फार्म पे चल के वो थोड़ा सा सेट करके आने का क्या फील हो गया ना अपना वहाँ पे चल के, या फिर अभी चलते हैं अपन, ऐसा करते रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा और अपन लेते हैं। बाकी फार्म यहाँ पे अपना फार्म है जेवल प्लांट पर, ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे चल के ना एक सेव और कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा देर लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 7 लाइट ईयर, और वापस अपन सीधा फिर 6th वाले पे जाएंगे, ठीक है। इस वाले पे जाने का कोई सीन नहीं अभी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि यहाँ पे सबको सेट कर दिया मैंने एंटीमैटर बना के, बस अपने को डिमांड करना है। और मे बी नेक्स्ट टाइम अपन एक बारी सारे प्लैनेट्स पे घूमेंगे, और वहाँ पे जो जितने भी अपन ने क्यूब्स वगैरह बनवाए हैं ना सबको अपने को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर एक प्लैनेट पे सेट नहीं करा है। नॉर्मल स्टेशन डाले ना अपन ने प्लैनेटरी वाले, वहाँ पे भी इंटरस्टेलर डालने पड़ेंगे, एंड उनके अंदर से फिर अपन रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट टाइम, तो भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाला अपना सीन, लैब्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहेंगी अपने को नेक्स्ट टाइम, तो देखते हैं। बाकी फिलहाल मैं चल के थोड़ा सा फार्म का देख लेता हूँ, उसके बाद अपना एपिसोड का एंड होएगा, ठीक है, लेट्स गो। इधर बहुत सारे प्लैनेट नजर आ रहे हैं मेरे को, कौन से वाले पे जाना है भाई, इधर चलो भाई यहाँ पे चल के उतर जाता हूँ। ओके सो यहाँ पे फुल क्या हो भाई, तुम्हें लेट्स गो, जरा देखते हैं क्या है भाई जो फुल हो गया है। अच्छा ये वाला रिसोर्सेज अपना फुल हो चुका है बाय द वे, है ना, क्योंकि ये वाला उतना यूज नहीं हो रहा क्योंकि अपने पास एंटीमैटर फ्यूल रॉड नहीं बन रही होगी ना। हाँ उसका सेटअप करवाऊंगा मैं, बाकी इसको मैं कर देता हूँ डबल, ओके इसको अपन डबल कर देते हैं। बाकी इंक्रीज क्योंकि इसका तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा भाई, ठीक है, इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, एंड इसको रोटेट करके ज़्यादा दिक्कत आएगी तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये तो हैवी चाहिए अपने, तो हैवी समझ रहे हो ना, हैवी डिमांड रहती है इसकी, तो एक और डाल दो यहाँ पे, डन सीन। चलो भाई अब भी फुल स्टोर होने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एंड मे बी फाइल सॉर्टर मे बी, डन 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 डन,
ताकि ऑलवेज लाइन अपनी खुली रहे, फाइल सॉर्टर का यूज हो जाएगा यहाँ पे फटाफट से सारे सारे रिसोर्सेज खाली होने वाले इन सब के अंदर से। लेट्स गो गाइस, अभी मे भी मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड एंजॉय। आई होप आपको पसंद आएगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ठीक है सब कर देना, मिलते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट, हो सकता है ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई हो ठीक है वो सब बता देना मेरे को, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ ओके ठीक है। चिल गाइस, एंजॉय।